पीटार के वीर गांव में ग्रामीण बुधवार सुबह 8 बजे सामूहिक प्रयास से सड़क बनाने में जुटे नजर आए। सरकार से लगातार मिन्नत करने के बाद भी यहां सड़क नहीं बनी तो ये लोग खुद सड़क बनाने में कई दिनों से जुटे हुए हैं। यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी विधायक सुदेव कुमार सोनू का विधानसभा क्षेत्र पीटार का हाल। 77 वर्षीय गुजरे नक्सल प्रभावित पीटार के हरलाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत कुंडको पंचायत के बीरगांव में आवागमन की सुविधाएं अब तक बहाल नहीं हो पाई है। यह गांव ग्रीढ़ी के अंतिम सीमा पर पड़ता है। सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों समेत अन्य जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से तमाम ग्रामीणों ने संकल्प लेकर अपने सुविधा के लिए सड़क बनाने उतर पड़े। ग्रामीणों को मजबूरन सड़क बनाने के लिए उतरना पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग बहुत बार इस विषय को लेकर तमाम प्रतिनिधि पदाधिकारी एवं विभाग तक बात पहुंचाए हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, जबकि इसका सर्वे पहले हो चुकी है। ग्रामीणों की मांग है कि अविलंब सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हाँ, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अपना ग्रामीण जनता, यहाँ सड़क ना है ना कुछ भी नहीं है सुविधा। हम लोग अपना शरण दान करके मतलब हम लोग खट रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब जाने आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसीलिए मतलब मुखिया को, वार्ड को, जिला परिषद को, सभी मतलब से मतलब हम लोग प्रयास किए, नहीं मतलब नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग अपना शरण दान दे करके हम लोग यहाँ रोड जो बना रहे हैं, रास्ता हम लोग का आने जाने का सुविधा है नहीं, यहाँ बहुत कादक कीचड़ है। इसीलिए हम लोग अपना से मतलब खटने शुरू कर दिए। अच्छा, तो ये रोड आप लोग को कहाँ तक ले जाना है? यहाँ हम लोग को रोड ले जाना है भद्र सिंह तक, यहाँ बीरगांव से भद्र सिंह तक ले जाना है। अच्छा, ये कौन गांव पड़ता है? बीरगांव। हाँ, क्योंकि आने जाने के लिए हम लोग को मतलब को बहुत तकलीफ होता है, सभी जगह रोड बन चुका है, हम लोग के यहाँ मतलब नहीं बनता है। आज हम लोग का परेशानी बहुत दिन से झेल रहे हैं रोड के विषय में, आज तक को ना यहाँ देखने तक भी नहीं आया, सुनने में आया कि यहाँ नापी हो गया है। कितना हम लोग मुखिया को लिख के दिए, पंचायत समिति को लिख के दिए, जिला परिषद को लिख के दिए, विधायक को लिख के दिए, जहाँ तक कि सरकार तक को लिख के दिए हम लोग, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग ग्रामीण निर्णय किए कि यहाँ कोई सरकार हम लोग को देखने वाला नहीं है, तो हम लोग गाँव वाला तय किए कि हम लोग का आने जाने में बहुत असफलता पूर्वक हो रहा है, तो हम लोग अपने से मेहनत करके काम में लगे हुए हैं। कोई खाया है या नहीं खाया है, भाई बहन बेटी माँ सबको हम लोग जन मन तन लगा के यहाँ काम कर रहे हैं।